गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइजेबल लॉ। कोई भी नंबर कैसे 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिवाइड हो जाता है बिना डिवाइड किए बतला देना। तो मैंने रूल जो बतलाया था उसको पहले एक बार दो बार तीन बार उसको पढ़ लीजिए, उस पर अभ्यास कर लीजिए और तब मैथ बनाइए। क्योंकि देख रहे होंगे ये चैप्टर मैं बहुत धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैथ्स है आगे चल के बहुत काम देगा। और ये जो है डिवाइड करने में या मैंने उसको मैथ बनाने में बहुत बड़ा बड़ा कैसे आप काट सकते हैं ये सब में काम देगा। इसीलिए मैं इसको स्लो बहुत स्लो ले जा रहा हूँ, लेकिन आप रूल को पहले फॉलो करिए, उसको पढ़िए और अभ्यास करिए। देखिए मैं एक्सरसाइज 2B का ये कह रहा है कि इसमें खाली जगह एक जगह दे दिया, अब कह रहा है कि यहाँ बताइए कि क्या भरा जाएगा। देख रहे हैं ना कि यह 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए कि 11 से डिवाइड करने के लिए हम आपको क्या बताए थे, ओड प्लेस, सम ऑफ ओड प्लेस। तो ओड प्लेस कितना देख रहा है आप, फर्स्ट 3 5th ओड प्लेस है, यही होता है। तो इसको 4 प्लस 3 7 प्लस 9 ऐड करते हैं तो आपको कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। अच्छा, और इवन प्लेस, अब 2 4 6 ये सब जो इवन प्लेस है देख रहे हैं ना, तो इसको अब ऐड कर लेना है। ये तो क्या रूल पढ़े थे इलेवन से कि सम ऑफ ओड प्लेस डिफरेंट बिटवीन सम ऑफ ओड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस इज 0 या मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल हो या 0 वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए तो इसमें क्या हम लोग यहाँ पर डिजिट बैठाए, तो अगर ना 6 और 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 में कितना ऐड करेंगे और इसको माने डिफरेंट 11 आए 0 आ जाए, तो 0 तो संभव ही नहीं कोई डिजिट ऐड करे, नंबर भले ऐड करेंगे तो होगा लेकिन डिजिट बैठा नहीं तो नहीं हो सकता है। तो एक काम करिए डिफरेंट 11 आ सकता है, तो कैसे 9 अगर इसमें से माने 3 6 और 2 8 8 और 1 9 9 सेपरेट करते हैं तो कितना है, 9 20 में से 9 सेपरेट कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 11 होता है। 11 इज डिवाइड बाय 11 सो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1। अब इस ये जो है पूरे के पूरे नंबर 11 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 13 के सभी बनाना है प्यारे बच्चों। और ये 14 कहता है कि ये बताए कि इतना बड़ा नंबर है या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो वही रूल जो मैंने पहले बताया था, सम ऑफ डिजिट देख लीजिए, प्रत्येक को ऐड करते हैं तो कितना 1 2 3 तो मुझे नहीं आ रहा है, 3 विच इज डिवाइडेबल बाय 3 जो 3 से डिवाइड है, तो डिवाइड है सो या देयरफॉर इतना नंबर इज डिवाइड बाय दिस नंबर इज डिवाइड बाय 3। ये तो रूल आपको पहले मैंने बताया था है ना, तो उसी सिस्टम पर है। अब 15 में कहता है कि प्राइम नंबर आप चुनिए, इसमें कौन प्राइम नंबर है, तो आप जो नंबर दिया है उसको देख करके देखिए, तो देख रहे हैं कि सब के सब ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो या तो पहले हो गया माने क्लियर हो गया कि ओड नंबर है तो वह 2 से नहीं सेपरेट होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से नहीं होगा और 8 से नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। फिर 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लाइफ में किसी के 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा, तो बच कौन गया 3। तो 3 के लिए क्या आप पढ़े थे, सम ऑफ डिजिट, तो सम कर करके देख सकते हैं, तो ये सम करके देखते हैं 3 और 0 1 ये 4 आता है, 3 से नहीं होगा, लेकिन तो आप फिर अब 7 से देख करके देखेंगे, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि ऐड करने पर 9 नहीं आ रहा है, 1 0 3 9 से नहीं, तो 7 से क्या इसको 2 ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट करते हैं तो 3 2 6
टेन में से सिक्स जाएगा तो फोर, जो सेवन से डिवाइजेबल नहीं है या जीरो नहीं आ रहा है तो ये क्या प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से ये भी प्राइम नंबर, 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 बट ये दोनों को देख लीजिए, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसको ऐड, ये देखते हैं इसको क्या किए कि सेवन से तो इसको वंस प्लस को ट्वाइस करिए तो टू हो जाएगा, अब 16 में 16 में से टू सेपरेट करिए तो 14 होता है, 14 सेवन से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरे नंबर सेवन से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और इसको देख लीजिए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, सेवन से डिवाइड होएगा तो प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह से ये देख लीजिए, ये भी सेवन से डिवाइड है, सो इट इज नॉट प्राइम नंबर, अंडरस्टैंड। अब ऐसे भी सम करके देखिए ना, 3 + 1 और प्लस 7 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, लेकिन ये 7 से डिवाइड है ना, 7 से डिवाइड है, इसको ट्वाइस करिए तो 11 में से 14 सेपरेट होगा तो 7, 7 इज डिवाइड बाई 7, सो ही नंबर इज डिवाइड बाई 7, है ना। तो इस रूल से आप एकदम बिना डिवाइड किए पहचान गए। अब ये कहता है 60 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए, आपको कहता है कि व्हिच इज डिवाइजेबल बाई बोथ 3 and 6 बट नॉट बाई 18। कुछ ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड है और 6 से डिवाइड है, आप एग्जाम्पल दीजिए, बट कैसे, बट 18 से डिवाइड नहीं है, 3 से भी है ना, और 6 भी है लेकिन 18 से नहीं है, वैसा बहुत से नंबर है, वैसा नंबर है, बहुत से नंबर है, कौन जैसे 6 कौन कौन नंबर आ सकता है, तो आप कर सकते हैं जैसे 12 है ना, 12 भी, और 24, 30 दोनों से है, इस तरह से बहुत से नंबर, एक नंबर नहीं बहुत से नंबर लिख दें, व्हिच इज डिवाइजेबल बाई 3 है ना एंड 6 बट नॉट डिवाइजेबल 18, तो इस तरह से नंबर लिख देंगे, है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं, तो सीधी से हिसाब है कि ये जो है, ये देख रहे हैं ना, दोनों का हम लोग क्या ले लिए, आप एलसीएम एक समझिए तो 6 होता है, उसका मल्टीपल करते चल जाइए, है ना, तो मल्टीपल करते चल जाइए, लेकिन वह छान देना है, उसको कैंसिल कर देना है जो 18 से डिवाइडेबल है ना, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, तो आप इस प्रकार से बनाते चल जाएंगे। और इसके बाद ट्रू फॉल्स है, तो आप वही रूल पर आप टोटल बनाइए, आपको सब बन जाएगा। थैंक यू।